गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउंस। व्हाट आर द रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउंस? इन अनकाउंटेबल नाउंस फर्स्ट रूल इज वी कैन नॉट यूज ए एन और अ नंबर बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। हम ए एन और नंबर को अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आ मिल्क, आ हम मिल्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो आ हम कभी मिल्क के साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो ओके, तो फर्स्ट रूल इज वी कैन नॉट यूज़ आ एन और अ नंबर बिफोर एन Uncountable noun. Uncountable nouns always uses a singular verb. Uncountable noun में हमेशा हम singular verb को use करते हैं। इस क्या है हमारा singular verb है। Milk is white. Milk uncountable noun है और is white. इस क्या है हमारा singular verb है। What is a singular verb. The second rule is in uncountable nouns we always use a singular verb. Understood? Third rule is uncountable nouns are always singular. Uncountable nouns जो होते हैं हमेशा singular form में होते हैं. Examples coffee, milk, money, pasta. ये सब क्या है सिंगुलर फॉर्म्स हैं। अनकाउंटेबल नाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर। सो फर्स्ट रूल क्या है वी कैन नॉट यूज ए एन और अ नंबर बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन। ए एन और नंबर को हम नहीं यूज़ कर सकते अनकाउंटेबल नाउंस के साथ। अनकाउंटेबल नाउंस ऑलवेज यूजेस अ सिंगुलर वर्ब। Milk is white. Always in uncountable nouns, we always use a singular verb. Third rule is uncountable nouns are always singular. They are always singular. Coffee, milk, money, pasta. Okay, if you look at these uncountable nouns, they are in singular forms. Coffee, milk, money, pasta. Now come to the fourth rule. We use some with uncountable nouns. हम some को use करेंगे uncountable nouns के साथ। Example, look at the examples. There is some milk. There is some water in the glass. Milk, what is milk here? Milk is uncountable noun. Water is uncountable noun. So, with milk and with water, what we will use? We use some. ठीक है? अब इस सेंटेंस में देखिए. Milk is uncountable, water is uncountable. हम एक रूल हमने पीछे पढ़ा कि हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब भी आया है। सिंगुलर वर्ब और उसके साथ हमने सम यूज़ किया है। देयर इज सम मिल्क, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया कि यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है और मिल्क और वाटर भी क्या है सिंगुलर फॉर्म है अनकाउंटेबल नाउंस के, और हमें अनकाउंटेबल नाउंस के साथ क्या यूज़ करना है सम। ओके, फिफ्थ रूल इज यूज एनी विद अनकाउंटेबल नाउंस एंड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यूज एनी, अब सेकेंड रूल है पहले सम यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अब अनकाउंटेबल नाउंस के साथ हम एनी को यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउंस नेगेटिव हो सकते हैं, इंटरोगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव हमने
लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिस सेंटेंसेस में नॉट, नन, नेवर होगा वो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, दे ऑल आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल, देयर इजंट एनी शुगर। अब पहले इसमें अनकाउंटेबल नाउन को फाइंड करने की कोशिश करिए। शुगर क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रिज क्या है हमारा? सॉरी, मिल्क क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है। इन दिस सेंटेंस शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन, इन दिस क्वेश्चन मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। देयर इजंट एनी शुगर और द सेंटेंस इजंट इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इज एंड मतलब इज नॉट यूज हो रहा। अच्छा, नॉट, नेवर, नन होता है, आई टोल्ड यू कि देयर वी यूज एनी। अब इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज? क्वेश्चन मार्क। दिस सेंटेंस इज इन इज आस्किंग क्वेश्चन। ओके, सो वी विल यूज एनी। ठीक है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज एनी विद अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज एनी विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अंडरस्टूड? थैंक यू।